एमओसी में नैनो डबल चार, सेरेमिक डिजिटल कार्विंग, शुगर, पार्किंग टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, ऑल ग्रेनाइट और घर को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए एक बार जरूर जाए। प्रोपराइटर हाजी उस्मान सेठ बागबान, एमओसी टाइल्स, ग्रेनाइट एंड सैनिटरी, देगलू नाका, नांदेड़। और ये बिग न्यूज ये है कि मैं पूरे के लिए कम्प्लीटली म्यूजिक इंडस्ट्री को छोड़ रहा हूँ। म्यूजिक वीडियोस नहीं बनाऊंगा मैं अब से, और म्यूजिक के रिलेटेड जो भी रहेगा इंशाल्लाह मैं रोकूंगा अपने आप को कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। और मेरे को बेहतर, मैं जानता था कि म्यूजिक हराम है इस्लाम में, बस मेरा एक पैशन था, मेरा एक जुनून था कि ये चीज करना, अरे मेरे को ये चीज बनना है, बल्कि बस अल्लाह का करम था। और आप भी बेहतर जानते हैं और मैं मेरे को भी मालूम है कि ये प्लेटफॉर्म मेरे को यहाँ से यहाँ पे लाया सर, मतलब मेरे को म्यूजिक इंडस्ट्री में को इतना मुकाम दिया, इतनी कामयाबी दिया, और मेरे को अल्लाह पे भरोसा है। और इंशाल्लाह ये चीज रोकने के बाद मेरे को अल्लाह ताला कुछ अलग मुकाम देगा, कुछ अलग जरिए से मेरे को हलाल तरीके से मेरे को कामयाबी देगा इंशाल्लाह ताला, ये मेरे को अल्लाह पे पूरा भरोसा है। और ये चीज से मैं बहुत खुश हूँ छोड़ के भी, मैं ये डिसीजन से भी बहुत खुश हूँ। मेरे घर वालों को भी मैं बता दिया कि मेरे वालदा को, वालिद सबको बताने पर मेरे वालदा को मैं बोल दिया था कि मैं ये चीज छोड़ दे रहा हूँ अम्मी बोल के। मैं कनेक्ट रहूंगा, यूट्यूब को नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, यूट्यूब में मेरी बहुत मेहनत है मेरी, बस म्यूजिक हराम जो चीज है मैं अब तक कर लेते हुए आ रहा था, ये चीज मैं छोड़ दिया। अभी मैं म्यूजिक वीडियोस नहीं बनाऊंगा, दिस इज ये मेरा आखिरी फैसला है। और शायद ये हो भी सकता कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा भी है कि मेरे को हिदायत मिल रही हो, या फिर हिदायत जो भी है इंशाल्लाह मिल जाएंगे इंशाल्लाह वो भी। और ये डिसीजन मेरे लिए बहुत मायने रखता और ये डिसीजन से मैं खुश हूँ, और आप लोग भी इस डिसीजन से मेरे सहमत होंगे। अल्लाह पे मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरे को कुछ और जरिए से कामयाबी हासिल होगी जिसमें अल्लाह की रजा भी शामिल होगी। और आप सब मेरे को साथ दीजिए, जो अल्लाह माफ करे, जब मैं म्यूजिक बनाता था तो जैसा आप लोग मेरे को सपोर्ट करे थे, वैसे ही मेरे को इस डिसीजन लेने के बाद जो भी मैं करूंगा यूट्यूब पे उस चीज पे मेरे को आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरे को पूरा भरोसा है आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे और मेरे इस डिसीजन से खुश रहेंगे। मेरे को देख के लोग आए जो रैपर बन के, अब मैं उन लोगों को बोलना चाह रहा हूँ जो मैं फेमस होने के बाद अरे इन्हें बना मैं भी बन सकता हूँ, बल्कि जो उन लोगों का टैलेंट किसी और में था तो उन लोग अपना जहन चेंज कर लेके जो आके गाने लिखते गए, रैपिंग करते गए, जो डालते गए यूट्यूब पे, उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी इस चीज को छोड़ दीजिए, जो मेरे को देख के इंस्पायर होके, जो मेरे को देख के मोटिवेट होके अरे बंदा बना अपन भी बन सकते हैं, बल्कि जो लगान ले लेके जो बंदे बना रहे सॉन्ग्स उन लोगों से भी अदबन ग्रोथ तो बेहतर है आप लोग के लिए भी। और इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैं क्यों म्यूजिक फील्ड छोड़ दिया और इसके पीछे का रीजन क्या है, राज क्या था, इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरे को कुछ आइडियाज देंगे कमेंट्स में, मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं, कुछ ऐसा करूं जिससे मैं आप लोग मेरे को हर दम देखते रहे, हर हफ्ते देखते रहे, हर रोज देखते रहे। हल्दीराम एक्सप्रेस शोरूम में मिठाइयों में बर्फी, काजू कतली, मोतीचूर के लड्डू और सोन पपड़ी, और नमकीन में खट्टा मीठा चुड़वा, मिक्सचर, पंजाबी तड़का और घी, ड्राई फ्रूट और 380 प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाए। हमारा पता है हल्दीराम एक्सप्रेस शोरूम, शिवाजी नगर, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।